टॉप 5 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन नरुतो। नंबर 5, रासा। अब गाइस, अगर आप इस बंदे को नहीं पहचान पाए तो लेट मी रिमाइंड यू, ये है गारा के पिताजी। अब गाइस, ऑफ कोर्स जब हमें गारा का आर्क दिखाया जा रहा था नरुतो में, तो हमने रासा के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना कि किस तरीके से इसने अपने वाइफ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और गारा को जिनचुरिकी बनाया। गारा के होने के बाद भी ये गारा को कभी लव नहीं करता था, उसको एज अ जिनचुरिकी एंड एज अ वेपन ही ट्रीट करता था। हालांकि वो एक अच्छा आदमी था, बट स्टिल उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी सही काम नहीं किया। रिजल्ट, गारा एक इविल कैरेक्टर में बदल गया। हाँ, तब तक जब तक नरुतो ने उसे वापस रास्ते पे नहीं लाया। वेल, रासा को हेट करने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जब तक वो काजेकागे था उसके विलेज में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बट गाइस, स्टिल रासा के इस लिस्ट के नंबर 5 पे आने का यही रीजन है कि वो लास्ट में अपनी गलती को रियलाइज करता है जब वो रियनिमेट हुआ था और उसने देखा कि गारा कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और उसके फ्रेंड्स भी हैं। तब जाके रासा को अपनी गलती रियलाइज हुई, बट ऑफ कोर्स तब तक बहुत लेट हो चुका था। नंबर 4, साकुरा। अब गाइस, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि लोग साकुरा को क्यों हेट करते हैं और कितना हेट करते हैं, बट स्टिल साकुरा इस लिस्ट के नंबर 4 क्यों आई है, फर्स्ट पे क्यों नहीं? वेल, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं इस लिस्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैरेक्टर को बताऊंगा। बट गाइस, बहुत सारे लोग ये जानते तो हैं कि साकुरा को हेट किया जाता है, बट वो ये नहीं जानते कि साकुरा को क्यों हेट किया जाता है। तो लेट मी टेल यू, बेसिकली साकुरा को हेट करने का रीजन नरुतो शिपुडेन से ज्यादा तो ओजी नरुतो में हुआ करता था। पहली बात तो ये कि साकुरा हमेशा अपने आप को सास्के एंड नरुतो के पावर से कंपेयर करती थी और वो अपने ही पावर को ओवर एस्टिमेट करती थी, जिससे ऑफ कोर्स हम सबको काफी जलन होती थी कि एक तरफ तो ये दोनों भाई साहब इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना दर्द और दुख सह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड साकुरा भी मेहनत करके पावरफुल तो हुई है बट इतनी पावरफुल नहीं है और स्टिल वो अपने आप को इनके बराबर समझ रही है। वेल, इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, बट ये एक्चुअल रीजन नहीं है कि क्यों लोग साकुरा को हेट करते हैं। लोग तो इस बात का बस इसलिए यूज करते हैं ताकि वो साकुरा का मजाक उड़ा पाए। साकुरा को हेट करने का एक्चुअल रीजन था उसका ब्लाइंड ऑब्सेशन विद सास्के एंड अंडर अप्रिशिएशन फॉर नरुतो। लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात तो इतनी छोटी उम्र में प्यार नहीं होता, दूसरी बात इतनी छोटी उम्र में अट्रैक्शन भी नहीं होता। उसको और इनो को बस एक ही चीज चाहिए था, क्लास के मोस्ट कूल एंड मोस्ट पॉपुलर किड के साथ रहने का मौका। लेकिन ऑफ कोर्स इनो एक टाइम के बाद साइड ही हट गई थी, या ये कहें कि उसको ज्यादा दिखाया नहीं गया क्योंकि उसकी पूरी अलग टीम थी। ऑन द अदर हैंड साकुरा सास्के की टीम में ही थी तो उसका ऑब्सेशन कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच गया था। एंड साकुरा को हेट करने का सेकंड मेन रीजन ये है कि पूरी नरुतो एनीमे में नरुतो ने साकुरा की कई कई बार जान बचाई, बोथ इन कैनन एपिसोड्स एंड फिलर एपिसोड्स, बट साकुरा ने उसे बहुत ही ज्यादा कम या ना के बराबर अप्रिशिएट किया था। कई बार तो उसे पता भी था कि नरुतो नहीं उसकी जान बचाई है, बट स्टिल वो नरुतो को छोड़ के सास के पास जाती थी रोने के लिए। सीरियसली, एक टाइम के बाद तो सुनाटी भी ये समझ गई थी कि यार इसका कुछ नहीं होगा। एंड जो लास्ट रीजन है साकुरा को हेट करने का, और शायद इससे काफी सारे हेटर पैदा हो गए थे, वो है नरुतो शिपुडेन में जब साकुरा ने नरुतो को फेक प्रपोजल दिया। उस वक्त तो अपना नरुतो भी समझ गया था क्या बुलशिट है, इंस्टेड ऑफ सेविंग देयर फ्रेंड ये टाइम थोड़ी ना प्यार मोहब्बत की बातें करने का। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साकुरा ने मूव क्यों लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से ही नरुतो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए नरुतो इस लेवल तक पहुंच गया था, और साकुरा ने यह स्टेप इसलिए लिया था कि नरुतो सास्के का ऑप्शन छोड़ दे, बट हेट इसीलिए तो मिला। साकुरा को ऐसा लग रहा था कि नरुतो ये सब उसके लिए कर रहा है, उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए कर रहा है, बट एक्चुअली में नरुतो ये अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कर रहा था, और ये बात साकुरा समझ नहीं पाई, बट फैन समझ गए, और ऑफ कोर्स साकुरा को मिला एक नेचुरल हेट। वेल गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, नहीं तो ये पूरी वीडियो निकल जाएगी साकुरा के बारे में बात करते करते। नंबर 3, सास्के उचिहा। माय नेम इज सास्के उचिहा। अब गाइस, सास्के को मुझे साकुरा से ऊपर रैंक करना ही था, क्योंकि बहुत सारे लोग सास्के को अनइंटेंशनली ही हेट करते हैं। पूरी सीरीज में सास्के कितना ज्यादा जिद्दी था। रिवेंज 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 रिवेंज, ओ माय गॉड, शांत हो जाओ भाई। रिवेंज वगैरह तो ठीक था, तब तक हम सब जानते थे कि ऑफ कोर्स ये इस बंदे की फैमिली गई है और पूरा क्लैन गया है, सिर्फ इसके भाई की वजह से रिवेंज तो चाहिए भाई। लेकिन असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो गई जब इताची उचिहा हम सबका फेवरेट बना। हम सब ने ये रियलाइज किया कि इताची उचिहा जिस विलेज को बचाने के लिए पूरे क्लैन को बर्बाद कर दिया, अभी बंदा उसी विलेज को तबाह करने जा रहा है। वाओ, सीरियसली? वेल गाइस, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सब कुछ खत्म हो गया था। कागोया गई, मादरा गया, एंड सब कुछ ठीक था, बट इस बंदे को सब कुछ ठीक नहीं करना था। इस बंदे को एक कॉमन एनिमी बनना था पूरे वर्ल्ड का, ताकि पूरा शिनोमी वर्ल्ड एक साथ लड़ता रहे और यूनाइटेड रहे। क्या बुलशिट है भाई ये? इसे सो कॉल्ड डार्क होकागे बनना था। ऑलराइट, ये सुनने में तो कूल लग रहा है, बट गाइस सीरियसली ये प्लान कितना गलत था, ये बात खुद सास्के ने बरूटो में एक्सेप्ट की थी। नंबर 2,
टू ओरोचिमारू। अब गाइस हर ईवल का एक प्रॉपर मोटिव होता है, एक प्रॉपर गोल होता है, जैसे ओबीटो मात्रा ओ माय गॉड। लेकिन गाइस ओरोचिमारू का नहीं, ये बंदा लिटरली में एक उचिहा सिंप है। आई मीन इस बंदे ने काफी डिस्ट्रक्शन की है, वो भी अनइंटेंशनली। आई मीन इसका कोई प्रॉपर गोल नहीं था, इसका प्रॉपर मोटिव नहीं था, बट इसे बस वो चीज करना था, इसे वो चीज चाहिए तो चाहिए। एंड अपने सब शारिंगान के ऑब्सेशन में इसने पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन लास्ट में इस बंदे ने अपने आप को रिडीम कर लिया। और मुझे सीरियसली नहीं पता कि इसका कैरेक्टर आर्क कैसे डेवलप किया गया। आई मीन ऐसा साफ पता चल रहा था कि ओरोचिमारू के 50 या 100 एपिसोड्स उड़ा दिए गए हैं सिर्फ नारुतो को छोटा करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ओरोचिमारू का आर्क हमें ढंग से समझ ही नहीं आया। इस बंदे का एक्चुअल मोटिव क्या था? आई मीन इसे कभी शारिंगान चाहिए था, कभी ये सास्के को बस देखना चाहता था, और ये कभी बुरे काम करता है तो कभी अच्छे काम करता है। आई मीन सीरियसली, बट वेल बरुटो में ओरोचिमारू अच्छा है तो आई विल गो विद इट। ओके, सो नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है एंड वो है वन एंड ओनली डांजो। कुछ ऐसे विलन होते हैं जिनकी बुराई के अंदर अच्छाई छुपी होती है, कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जिनकी अच्छाई के अंदर बुराई छुपी होती है, बट देन कम्स दिस गाय। आई मीन ये बंदा कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि ये बंदा उसका कुछ सोचता ही नहीं था। आई मीन ये कोनोहा के पीपल के लिए फाइट कर रहा है राइट, लेकिन ये तो उसके पीपल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। आई मीन हम सब डांजो को समझ तो चुके थे कि वो 100 लोगों को बचाने के लिए 50 लोगों की बलि दे सकता है ताकि 50 लोग बचे रहे, बट स्टिल गाइस ये बात बहुत बुरी थी। और वो जो जो एक्शंस एंड जो जो स्टेप्स लेता है वो कितने डार्क हैं वो हम सब रियलाइज करते हैं। सिसुई की आंख लेना, काकाशी की आंख लेने का ट्राई करना, उचिहा मैसेकर के प्लान को प्लॉट करना, और अगर इताची नहीं होता तो ये बंदा सास्के को भी ले लेता। एंड गाइस हमें सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब इस बंदे ने लिटरली अपना आर्म शो किया था जहां पे सारे उचिहास के शारिंगान्स थे, और ऑफ कोर्स ये बुलशिट देखकर तो ओबीटो भी चुप नहीं बैठा था, वो भी लास्ट में सास्के की हेल्प करने आ गया था। आई मीन ओबीटो कितना भी बुरा दिखाने की कोशिश करे बट उसकी और सास्के के लिए एक म्यूचुअल रिवेंज मोटिव जरूर था। डांजो डांजो शायद नारुतो का सबसे ज्यादा गंदा कैरेक्टर है। आई मीन जब डांजो को होकागे अनाउंस किया गया था तो मैं सोच रहा था कि भाई अगर मैं इस विलेज में होता तो मैं क्या कर बैठता। आई मीन सीरियसली अगर डांजो कोनोहा का एक्चुअल में होकागे बन जाता, आई मीन प्रॉपर उस सीट पे बैठ जाता, तो गाइस कोनोहा का भी वही हाल होता जो हिडन मिस्ट का हुआ था। वेल आई होप इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी चली जाएगी। आई मीन मैं डांजो की बुराइयों के बारे में एक घंटा और बात कर सकता हूँ। वेल आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग भी डांजो से उतना ही हेट करते हैं जितना मैं करता हूँ? तो यप, एक थम्स अप जरूर दें। एंड या फाइनली गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।